फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो मेरे पास है, उन्हीं की मैं बात करूंगी। और भी बहुत से होंगे जिन, लेकिन वो मेरे पास है नहीं अभी। तो ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जिनका प्रोपेगेशन ना थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, नए नए गार्डनर्स गार्डनिंग शुरू करते हैं, उनको वो वाला जो प्रोपेगेशन का तरीका है ना, वो बड़ा न्यू और यूनिक सा तरीका होता है उन प्लांट्स के प्रोपेगेशन का, कुछ थोड़ा सा अलग होता है। तो आज उन प्लांट्स के, मुझे ऐसे प्लांट्स का प्रोपेगेशन करना, उनको देखना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ अलग लगता है। तो मैंने कहा आपको भी आज उनकी प्रोपेगेशन के बारे में बताते हैं, आप भी उनको प्रोपेगेट करिए, और जब आपको कुछ अलग कुछ दिखेगा ना तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनका प्रोपेगेशन का अलग सा तरीका है, और आप उस तरीके को यूज करके उनका प्रोपेगेशन जरूर करके देखिएगा, फिर देखिए कितना अच्छा लगता है हमें कि कुछ अलग दिख रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस प्लांट की बात करूंगी। ये जीजी प्लांट है, एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसको पानी आप एक महीना भी नहीं दें, पानी बहुत कम देंगे तो भी चलेगा। इसके जो ये स्टेम्स होते हैं ना, इसके नीचे ये देखिए, इसकी एक और वैरायटी है, देखिए अलग। और इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसको, इसके जो स्टेम्स होते हैं ना, देखिए इसके स्टेम्स के नीचे इस तरह से, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये देखिए, ये ऐसे बना होता है, बल्ब होता है इसके नीचे, ये देखिए ये। और इसमें ये पानी स्टोर रखता है, इस कारण ये जो पौधा है, ये इसको आप पानी कई दिन भी नहीं देते हैं ना तो भी ये चल जाता है, ये देखिए। तो ये पौधा जो है ना, इसके प्रोपेगेशन में एक बहुत अलग सा सुंदर सा एक फीचर हमें दिखाई देता है। वो क्या है कि जैसे आप इसका कोई भी कटिंग लगाते हैं, है ना, मैंने इसकी अभी एक कटिंग निकाल के रखी है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने जैसे इस प्लांट की कोई कटिंग ली और इस कटिंग को हमने लगाना है, तो हमने नीचे की पत्तियाँ इस तरह से इनकी निकाल दी, ऐसे, है ना, ऐसे करके निकाल दी। उस पत्तियों में हमने ये छोटा सा स्टेम रहने दिया, पत्ती का जो पीटियोल होता है ना वो रहने दिया। ये देखिए, पत्ती का पीटियोल, ये छोटा सा स्टेम है ना, ये पत्ती का जो होता है नीचे, ये वाला पीटियोल, ये हमने रहने दिया। और अब हम इसकी कटिंग लगाएंगे। तो इसकी अलग चीज़ क्या होती है कि इसकी जब हम कटिंग लगाएंगे ना, तो उस कटिंग के नीचे धीरे धीरे ऐसा बल्ब बनने लग जाएगा थोड़े दिनों बाद। तो दिखाती हूँ आपको, देखिए मैंने कटिंग लगाई हुई है आपके सामने, ये जो मैंने कटिंग्स लगाई हैं ना, ये उखाड़ती हूँ, देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये जो मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखिए इसके नीचे, ये देखिए ये बल्ब बन गया, ये देखिए, दिख रहा है आपको। ये बड़ा अजीब अलग सा तरीका है ना, आपने कटिंग लगाई और कटिंग के नीचे ऐसे बल्ब बन जाता है। अब ये बल्ब बन गया तो अब ये धीरे 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 बल्ब बड़ा होगा, और ये फिर उस, इसके साइड से और स्टेम्स निकलेंगे। तो ये देखिए, ये एक बन गया आपका पौधा, है ना, उसकी मैं कटिंग करती जाती हूँ। और इस तरह से देखिए, ये कटिंग को ऐसे लगा देती हूँ, ये देखिए आपको और कटिंग दिखाती हूँ। देखिए इस कटिंग के नीचे भी ये, ये देखिए ये बल्ब बन गया, दो तीन बल्ब बन गए, देखिए इसमें एक दो तीन, धीरे धीरे, ये थोड़ी मोटी कटिंग थी देखिए, तो इसके नीचे तीन बल्ब बन गए। तो ये इसका एक अलग सा तरीका है कि इसके नीचे ऐसे बल्ब बन जाते हैं, देखिए। और इसका एक तरीका है, वो मैंने अभी ऐसे लगाया नहीं है, अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये पत्तियां हैं, इसकी ये पत्तियां हैं, है ना, अगर मैं इस पत्ती को लगा देती हूँ, देखिए ऐसे मिट्टी में, इसमें मैंने सारी ये कटिंग्स लगाई हुई हैं, देखिए ये फाइलोडेंड्रॉन की, एक फाइलोडेंड्रॉन आता है थोड़ा सा वेरिगेशन वाली पत्तियों वाला, ये देखिए, तो इसकी मैंने ये कटिंग लगाई हुई है। अब देखिए, ये पत्ती अगर मैं यहाँ लगाती हूँ और इतनी इस पत्ती को मैं मिट्टी में दबा देती हूँ, देखिए ऐसे ऐसे, है ना, और अगर मैं इस पत्ती को लगी रहने देती हूँ तो एक महीने बाद या 20 दिन बाद के करीब इस पत्ती में भी इस तरह से बल्ब बन जाएगा, नीचे ऐसे मोटा सा बल्ब बन जाएगा पत्ती के नीचे। और धीरे धीरे क्या होगा, वो पत्ती थोड़ी डिसइंटीग्रेट होना, मतलब डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, और इस बल्ब में से नया स्टेम निकलने लग जाएगा।
तो जब आप उस पत्ती को लगाते हैं और थोड़े दिनों बाद देखते हैं उस पत्ती के नीचे इतना बड़ा बल्ब बना हुआ है, तो बड़ा यूनिक सा तरीका लगता है। और फिर उस बल्ब में से नए स्टेम्स निकलते हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये इसका बिल्कुल अलग सा एक तरीका है और बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है। ऐसे आप स्टेम्स लगाते जाएं पुराने पौधे में से लेके, और ऐसे लगता जाता है। और वैसे अगर आप इसको खरीद के लाते हैं तो ये बड़ा महंगा मिलता है पौधा। ये देखिए सेकंड प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट की बात करती हूँ। स्पाइडर प्लांट में क्या होता है कि इसमें भी जैसे जब ये प्लांट ग्रो करता है, इसका मौसम जब आता है, गर्मियों में स्पेशली होता है, बरसातों में भी होता है, इसमें से लंबे लंबे से ऐसे स्टेम निकलते हैं। लंबे लंबे से स्टेम, ऐसे खूब लंबा सा एक स्टेम निकलेगा और उसके एंड में एक छोटा सा ऐसे फ्लोरेट जैसा लग जाएगा। ऐसे लगता है उसमें स्पाइडर लगे हुए हैं, छोटे छोटे इतने इतने से पौधे लगे हुए होते हैं उसमें। वो थोड़े थोड़े बड़े होने लग जाते हैं वो पौधे। तो वो जब थोड़े से बड़े होते हैं तो नीचे वाइट वाइट से उसमें स्पॉट्स दिखते हैं, जैसे जड़ें होती हैं। तो उनको अगर हम अलग करके और लगा देते हैं मिट्टी में, या उनको पानी में रख देते हैं उन पौधों को निकाल के, या जैसे इसमें है वो स्टेम निकला हुआ है, वो पौधा है, तो पास वाले किसी गमले में उस पौधे को लगा देते हैं ऐसे, तो वो नया प्लांट लग जाता है। देखिए ये मैंने इसी तरह से लगाए हुए हैं, ये देखिए अलग अलग ऐसे लगाए हुए हैं देखिए। और वो जो स्टेम मैं कह रही हूँ ना, देखिए ये है वो, ये देखिए ये आपको दिख रहे हैं ये स्टेम के पोर्शंस। तो वो स्टेम में से ये लेते हैं और इसको ऐसे लगा देते हैं, देखिए ऐसे स्टेम का छोटा सा कटिंग भी इसके साथ आई हुई है। तो उस पौधे को ऐसे छोटे से, इतना सा होता है वो, इतना सा उसको ऐसे लगा देते हैं और ये इस तरह से ग्रो कर जाता है। तो ये भी बड़ा डिफरेंट है। कई लोग सोचते हैं वो क्या चीज़ है, वो छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, इनका क्या करना है। कई लोग पूछते हैं स्पाइडर प्लांट को कैसे प्रोपेगेट करना है। तो वो जो छोटे छोटे से पौधे से निकलते हैं स्टेम, जो बड़ा सा निकलता है, वो जो है इसके बेबी प्लांट्स होते हैं और उन्हीं को लगाने से इसका प्रोपेगेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ये स्नेक प्लांट है ना, स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया इसको कहते हैं। अगर सेंसिवेरिया को आपको प्रोपेगेट करना है तो इसका, वैसे तो देखिए ये बेबी प्लांट्स जो हैं इनको अलग करके, अलग ये खूब सारे निकले हैं, इनको अलग कर करके प्रोपेगेट हो जाता है ना। तो लेकिन इसका एक यूनिक सा जो तरीका है ना, जो अलग लगता है, वो इसका ये है कि इसकी जो एक कोई सी भी पत्ती, आप जैसे आपने ये वाली पत्ती ले ली और इस पत्ती को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, इतने इतने टुकड़ों में काट लें और सारे टुकड़ों को लगा दें, तो उनमें से क्या होगा, पहले तो जड़ें निकलती हैं और उसमें से फिर साइड में से एक नया प्लांट निकलता है। तो देखिए ये मैंने पत्तियाँ लगाई थी, देखते हैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ऐसे जड़ें निकलती हैं, ये देखिए और जड़ें निकलती हैं। और एक चीज़ दिखाती हूँ, और फिर साइड में से ये देखिए ये बेबी प्लांट निकल रहा है, ये देखिए है ना, एक इधर से निकल रहा है। तो वो मुझे लग रहा है कि निकल रहा है, लेकिन इधर से नहीं निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, ये देखिए है ना, अभी इधर से निकलना शुरू हुआ है। अब मैंने देखिए इसमें क्या किया हुआ है, पत्ती को बीच में से वी कट दिया हुआ है। तो वी कट देने से दोनों साइड से देखिए जड़ें ज़्यादा निकलती हैं। अगर आप प्लेन लेने देंगे उसके बजाय वी कट लगाते हैं तो जड़ें ज़्यादा निकलती हैं, थोड़ी इधर से थोड़ी इधर से। फिर आप इसको बीच में से कट करके भी लगा सकते हो, दो प्लांट बन जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये लगाया हुआ है, और दूसरे भी हैं, दिखाऊं क्या पता औरों में आया है कि नहीं। ये दो तीन पीस, एक ही लीफ के दो तीन पीस लगाए थे मैंने। देखिए इसमें अभी जड़ें आनी शुरू हुई हैं, इसमें शुरू नहीं हुई हैं देखिए, है ना, इस वाले में शुरू नहीं हुई हैं, उसमें आ गई हैं और इसमें भी आ गई हैं, देखिए आ गई हैं ना इसमें भी जड़ें, ये देखिए। ये तो थोड़ा तिरछा ही कटा हुआ है, फिर भी इसमें जड़ें आ गई हैं, लेकिन नया पौधा उसमें से निकला हुआ मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह से इतने छोटे छोटे टुकड़े के, इससे भी छोटा, अगर मैं इस वाले टुकड़े को भी यूँ आधा लगाती ना, आधा करके बस इतना सा लगाती, तो भी ये बस ये ज़मीन के ऊपर इतना रहने देती तो भी इसमें से ऐसे जड़ें निकलती हैं। अब लंबा है तो मैंने इसको इतना दबा दिया और इतना ऊपर था ज़मीन के। तो इस तरह से ये सेंसिवेरिया का ये भी बिल्कुल अलग तरीका है, मतलब लीफ से भी होता है, लीफ के भी पोर्शन से, टुकड़ों से भी ये ग्रो हो जाता है। तो ये बहुत यूनिक तरीका है सेंसिवेरिया के ग्रो करने का। और ये देखिए ये है अम्ब्रेला पाम, ये एक्चुअली ना वाटर प्लांट भी होता है। अगर आप किसी
जैसे इसमें भी देखिए मैंने इसको इसमें रखा हुआ है बाल्टी में इसके गमले को, ताकि ये पानी में ऐसे डूबा रहे काफ़ी, और फिर भी अगर इसको पानी में देने में थोड़ी देर हो जाती है ऐसे है ना, तो देखिए ये इसमें कैसे ये सूखने लग जाता है। तो ये पानी का प्लांट है, तो इसका प्रोपेगेशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से होता है। इसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, जैसे देखिए मैंने इसकी एक ये लीफ ले ली है ना, अब ये लीफ ले ली, अब मैं क्या करूँगी इस लीफ को थोड़ा सा इसके लंबी लंबी वाली वो पत्तियाँ ऐसे काट दूंगी, इतनी छोटी कर ली। और अब क्या होगा, या तो आप इस लीफ को पानी में ऐसे उल्टा करके डाल दें है ना, और या फिर इसको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे मिट्टी में आप ऐसे गाड़ दें, ऐसे उल्टी ऐसे, ये देखिए ठीक है ऐसे। अब क्या होगा, थोड़े दिनों बाद यहाँ से छोटे 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 प्लांट्स निकलने लग जाएंगे, और ये जो लीफ की ये चीज़ है ना, यहाँ से जड़ें निकलने लग जाएंगी, और ऊपर जो है बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट आ जाएंगे, और आपका एक पूरा 4-5 पत्तियों वाला पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये इसका देखिए आपको बिल्कुल यूनिक तरीका है। अगर आप इस तरह से इसको ग्लास में डाल दें पानी डाल के, तो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे यहाँ से सफ़ेद सफ़ेद जड़ें निकलेंगी, और यहाँ ऊपर की तरफ नई स्टेम्स और लीफ निकलने शुरू हो जाएंगी है ना, मतलब नई लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह इसका प्रोपेगेशन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है इसका प्रोपेगेशन का तरीका। ये देखिए ये जो मैं आपको स्पाइडर प्लांट के कह रही थी ना, एक लंबा सा स्टेम निकलता है इस तरह से देखिए, और इसके आगे ऐसे ये छोटे छोटे लगे हुए हैं ये देखिए है ना। तो ये छोटा छोटा जो है हर एक, ये जो छोटा छोटा है ये एक क्या है, बेबी प्लांट है ये देखिए। इसमें ना नीचे की तरफ थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो यहाँ से जड़ें निकलनी शुरू, मेरे देखिए मिट्टी में डालने से नाखून ऐसे हो रहे हैं, ध्यान मत देना आप। ये देखिए ये जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी, ये जड़ों के बेस हैं, यहाँ से ये जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। ये कैलस जो दिख रहा है आपको, ये जड़ी जड़ी है एक्चुअली है ना। तो इसको अगर आप ना ऐसे पानी में डाल देंगे, अगर आप यहाँ भी एक पानी का बर्तन रख के इन सबको ऐसे पानी में डाल देंगे ना, तो भी इसमें जड़ें निकल आएंगी सब में है ना, और ये नया प्लांट बन जाएगा। अगर ऐसे पानी का प्रोपेगेशन हो गया, और अगर आप इनको जैसे ये वाला है थोड़ा सा बड़ा है ये, या छोटों को भी आप ये देखिए ये ऐसे लगे लगे ना, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तोड़ के दिखाती हूँ, ये इसमें लगे लगे देखिए बड़े हो जाते हैं। अब ये जड़ें देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं जड़ें। तो ये पूरा प्लांट तैयार होना शुरू हो गया है, लेकिन बस जैसे अब ये निकलते हैं ना, इनको पानी मिलता है, जैसे अब ये देखिए यहाँ जमीन को टच हो रहे हैं, तो छत धुलती है ना, तो इनको ऐसे पानी मिलता रहता है, तो ये अच्छी तरह से रहते हैं। वैसे थोड़े दिन नहीं भी मिले तो ये मेन पौधे से पानी ले रहे हैं इस स्टेम के थ्रू है ना। अच्छा ऐसे रहता है कि इनको पानी में डाल दें, या ऐसे इनको मैं क्या करती हूँ, जैसे थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, जैसे ये इसका साइज हो गया, इतना भी लगा दूंगी ये, इसको मैं दिखाती हूँ अभी आपको, इसको मिट्टी में लगा देंगे और थोड़े दिनों बाद ये नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। बस इसको कुछ नहीं करना है, इस तरह से इनको लगा दूंगी मैं, ऐसे ऐसे इनको लगा दूंगी और नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाएगा। बस मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है धूप छाया का, थोड़ी छाया रहे तो अच्छा रहता है जहाँ इसको आप लगाएं। और छोटे से छोटे 2 इंच के पौधे भी लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। फिर हम प्रोपेगेशन की बात करें डेफनबेकिया की, और बड़ी वाली वैरायटी जो एग्लोनिमा की होती है और डेफनबेकिया, उनकी अगर बात करें तो उनका प्रोपेगेशन देखिए कैसे होता है। एक ये देखिए स्टेम निकाल, स्टेम को आपने काटा ऐसे, ये मैंने छेड़ा है तो टूट गया है ये स्टेम को, जब हम काटते हैं देखिए ये टूट गया है मेरे से, तो स्टेम को जब हम काटते हैं तो अगर आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली छोटे छोटे टुकड़े करके भी लगा देते हैं ना, जैसे ये चलो मैं अब हटा देती हूँ टूट गया है तो है ना, ताकि आपको क्लियर दिखे, ये जैसे हॉरिजॉन्टल इसको ऐसे अगर मैं अलग करती ना तो ये पूरा प्लांट अलग हो जाता है। देखिए इसको अगर मैं यूँ लगा दूंगी ना तो ये प्लांट मेरा एक अलग हो गया है। इसके स्टेम को क्या करते हैं, जैसे ये स्टेम है, मैंने ऐसे ही देखो टूटा था ये स्टेम, इसको मैंने यूँ लगा दिया, लगाने से इसके यहाँ से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, नोड से जितनी भी इसकी नोड्स हैं उससे देखिए ऐसे जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसको मैं ऐसे लगाने की बजाय, अगर जैसे देखिए ये जड़ें निकल गई, अब इनको मैं यहाँ बीच में से काट दूँ अगर ऐसे,
और इनको मैं ऐसे अलग अलग लगा दूंगी तो ये मेरे दो प्लांट निकलेंगे इसमें से। अभी जैसे मैंने दिखाया था ना, इस जगह से एक प्लांट निकल रहा था, अभी तोड़ा है आपके सामने मैंने, किस जगह से, यहाँ से, यहाँ से प्लांट निकल रहा था। तो अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ प्लांट निकल आता है। इसको भी अगर मैं ऐसे लगाऊंगी तो यहाँ से प्लांट कहीं से भी ये निकल रहा है शायद, ये देखिए ये निकल रहा है, ये प्लांट ग्रो करके ये ऊपर बाहर की तरफ प्लांट निकल आएगा। तो इसका ये भी बड़ा अजीब सा तरीका है कि छोटे छोटे टुकड़े भी अगर आप इसके करके लगा देंगे तो आपके कई प्लांट, जैसे इतनी सी कटिंग थी लेकिन इससे आपके दो या तीन प्लांट निकल सकते हैं। तो ये इसके डेफनबेकिया का ग्रो करने का एक बहुत ही अलग सा तरीका है। जब भी आप डेफनबेकिया को ग्रो करें, या देखिए जैसे ये एग्लोनिमा की, ये देखिए ये बड़ी वाली वैरायटी होती है ना एग्लोनिमा की, इसको अगर हमने ग्रो करना है तो इसके स्टेम्स को इस तरह से लगा दें ऐसे, तो आपके खूब सारे पौधे तैयार हो जाएंगे छोटे से स्टेम में, छोटी छोटी कटिंग्स बन जाएंगी। तो ये मैंने आपको अभी कुछ प्लांट्स की दिखाई है। प्रोपेगेशन का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है, नॉर्मल से कुछ अलग होता है कि ऐसे सिंपल सी कटिंग नहीं लगाई। तो ऐसे और बहुत से प्लांट्स हैं, कभी फिर आपको और प्लांट्स भी दिखाऊंगी इस तरह के जिनका प्रोपेगेशन कुछ अलग है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा और बताइएगा, मैं और भी ऐसे तरीके आपको और प्लांट्स के भी बताऊंगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।